बंडी चलते रहती, नीचे से कुत्ता चलते रहता, सुने इधर आप, तो उन्हें समझता पूरा वजन मैं लेके चल रहा हूँ समझता, मगर वो बैल किस बंडी चलते रहती, बंडी का वजन उन्हें कहाँ से उठा सकता। अब अपने आप को कोई खुश हो रहा तो खुश हो जाने दो, मेरे को कोई इतराज नहीं है, समझे आप। मगर वफ़ की प्रॉपर्टी ताक़े अहमद वफ़ रहती हो, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकते। जो भी वफ़ है वफ़ रहेगा, हमारे पास पूरे ऑथेंटिक पेपर है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है। बोलिए सी साहब, ठीक है। अब जो प्रोसीडिंग पे जो है पेटिशंस उस पे करिए, आप पुराने पे कर रहे हैं, पुराने पे करना है तो जैसे नोटिसेस दीजिए, तो उस पे थोड़ा सा मिलजा पैदा हुआ, तो फिर कोर्ट उसको माना और मान के गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया कि 4 हफ्ते के अंदर अपना काउंटर फाइल करें, बस उतना ही हुआ है। उसके लिए कोई वक्फ बोर्ड के खिलाफ और अखबारों में जो आया है बिल्कुल गलत, और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं हुआ है। 4 हफ्ते का टाइम दिया है, देख लीजिए आधार कार्ड में मांगा कि वो जो केस पुराना उठाया गया है जिस पे बहस है उसमें काउंटर जो गवर्नमेंट पार्टी है, गवर्नमेंट को नोटिस नहीं दे रही है, सुनवाई हो रही, जिसको पार्टी बना उनको ही नहीं मालूम कि उनके आजकल आ रहे हैं, तो उनको नोटिस जो कहा गया है और काउंटर फाइल कर मैसेज नहीं दे रहे हैं, जो स्टे ग्रांट किया उस 4 हफ्ते के लिए, दे दो इनका नंबर ले दो। Absolute का वर्ड कोर्ट जो यूज करा है टिल फर्दर ऑर्डर्स, एब्सोल्यूट का जब कॉपी आएंगे तो उसमें जज क्या वर्ड यूज करा जब मालूम, एब्सोल्यूट भी हुआ है तो 4 हफ्ते का एंट्री मार्डर है भाई, 4 हफ्ते में कुछ नहीं, जज को मैनेज कर लो, कुछ भी कर लो, अरे इंशाल्लाह ताला वफ प्रॉपर्टी वफी रहेंगी, ताकि हम तक वफ की कोशिश करेंगे, हर चीज है हमारे पास, कहीं को नहीं सबमिट करें कोर्ट में, एक एक देखिए बाहर अफवाह पे आप लोग बोल रहे हैं तो बोलिए, कोर्ट में रिकॉर्ड पे हर चीज आ चुकी है, वहां से आप सर्टिफाइड कॉपीज निकाल कर देख सकते हैं।